टूरिज़्म सेक्टर जो है कि हमारी इकोनॉमी का और यहाँ की जो ओवरऑल पिक्चर वर्ल्ड में और नेशनल लेवल पे जो है, टूरिज़्म एक हमारा बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है, हमारी यही कोशिश होगी, यही रोड मैप होगा कि जो नए नए टूरिज़्म के एरियाज़ हैं, पोटेंशियल एरियाज़ हैं, चाहे वो हेरिटेज टूरिज़्म हो, चाहे वो विंटर टूरिज़्म हो, या इसी तरीके से जो एडवेंचर टूरिज़्म है या वाटर स्पोर्ट्स का टूरिज़्म हो, तो इन सब चीज़ों को हम मिला करके टूरिज़्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जहाँ तक यू नो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे टूरिस्ट्स को या लोकल लेवल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की बात है, उसके लिए बाज़ाबता डिपार्टमेंट के पास एक पब्लिसिटी की एक पॉलिसी है, उसी के तहत हम जगह जगह रोड शो करना चाहेंगे। और जो लोग यहाँ आना चाहेंगे या जो लोग आ रहे हैं, उनको एज एन एम्बेसडर जो है बना करके हम भेजना चाहते हैं, ताकि पूरे वर्ल्ड में और पूरे नेशनल लेवल पर मैसेज चली जाए कि कश्मीर में टूरिज़्म का जो है एक नया एक फेस है, जो कि विंटर टूरिज़्म है, जो कि एडवेंचर टूरिज़्म है। इसके अलावा जो यहाँ की मेहमान नवाजी है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ के लोगों की मोहब्बत है, उसको हम पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में जो है वो मैसेज ऑलरेडी है, लेकिन इसको और भी ज़ोर शोर से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे जो है टूरिज़्म का बोलबाला दोबारा से उसी तरीके से हो। और मुझे बड़ी खुशी है इस वक्त बताते हुए कि जो पिछले 2-3 महीने से हमारे यहाँ चाहे गुलमर्ग हो, चाहे पहलगाम हो, या चाहे श्रीनगर मैउन हो, तो टूरिस्ट का काफ़ी अच्छा फ्लो रहा है। इसका लिंकेज हमने जो खेलो इंडिया की गेम्स हो रही है गुलमर्ग में या बाकी जगहों पे भी जो है और भी कुछ इवेंट्स हमने प्लान किए हुए हैं, ताकि आइंदा जो हमारा फरवरी और मार्च का सीज़न जब आता है, तो लोगों को ये लगना चाहिए कि कश्मीर की विज़िट बिल्कुल सेफ़ है। और मैं आपके ज़रिए से यहाँ बताना चाहूँगा कि कोविड एंगल से हमने बिल्कुल सारी सेफ्टी ली हुई है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने चाहे वो टेस्ट्स करना हो टूरिस्ट्स में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, उस हवाले से सारी की सारी चीज़ें डिपार्टमेंट ने भी की है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी की है हर जगह। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि टूरिस्ट यहाँ आए, यहाँ के लोगों का की मोहब्बत और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी का जो है वो लुत्फ उठाए। कश्मीर जो है पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे, हर जगह जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो टूरिस्ट को देता है देखने के लिए। लेकिन क्योंकि कुछ एरियाज़ हमारे नए हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि एडवेंचर टूरिज़्म है, वाटर स्पोर्ट्स टूरिज़्म है, या हमारा सबसे बड़ा जो पिलग्रिम टूरिज़्म है या हेरिटेज टूरिज़्म है, तो ये एक नई एक पहल हो सकती है और नया एक फेस हमारे टूरिज़्म का हो सकता है, जो कि साल भर जो है हमारे यहाँ टूरिज़्म सीज़न को लाइव रख सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ जो मेहमान नवाजी है, जो लोगों की मोहब्बत है, और उसको उसके चलते टूरिस्ट्स को साल भर यहाँ एक फ्लो रखने के लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो चीज़ें हैं ये नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट हम करेंगे रोड शोज़ में, या हमारे जो एम्बेसडर बन करके लोग जो है यहाँ टूरिस्ट आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो उसके लिए एक हम प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे यहाँ टूरिज़्म और भी बूस्ट हो जाए और जो पहले जो है एक ज़माने में बोलबाला होता था थ्रू आउट ईयर, तो उसको दोबारा से जो है रिवाइव करने की हमारी पूरी कोशिश होगी। डिपार्टमेंट ने एक रोड मैप उसके लिए ऑलरेडी उस पर चला हुआ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है उसको और भी बूस्ट हम करने की कोशिश करेंगे।